दस दिन में लैलतुल कदर रखी है, एतकाफ रखा है। पहली उम्मतों के लिए ये नहीं था कि पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएं, ये हमारे लिए कि हमारे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के बंद हो जाते हैं, शैतान कैद हो जाते हैं, और समंदर की मछलियाँ और ज़मीन की चींटियाँ तक रोज़ा रखने वालों के लिए दुआ करती हैं। और अल्लाह ताला जन्नत को रोज़ाना कहता है, अन करीब मेरे नेक बंदे बंदियाँ आने वाले हैं, तो उनके लिए मेकअप कर ले, तो उनके लिए तैयार हो जा। ये अल्लाह ताला की रहमत को लेने का सीज़न है। पहली उम्मतों को एतकाफ नहीं मिला था, हमें एतकाफ मिला है कि दस दिन अल्लाह दे बूहे ते पै जाओ, या अल्लाह तेरे को माफ़ी करवा के ही उठना है, एवं उठना ही कोई नहीं। तो जो दरवाजे पे आ जाता है आदमी उसे माफ़ कर ही देता है। कोई बहुत ही सख्त दिल वाला हो तो माफ़ ना करे, वरना बड़े से बड़े गुस्से वाले भी कहते अच्छा जी जाओ माफ़ की। तो इसमें एक लैलतुल कदर है, वो बाद में बात करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इसमें गरीब आदमी की के रोज़े अच्छे गुजर जाएं, ईद अच्छी गुजर जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने सदक़े फितर रखा है। हम उसे ईद के साथ जोड़ देते, पहले रमज़ान से देना चाहिए ताकि गरीब अपना कोई रोज़ा तो रख सके। पहले रमज़ान से 29 रमज़ान तक जब मर्ज़ी दे दें, और अगर वो फितराना अदा नहीं करता तो उसके रोज़े उसके सर के ऊपर से भी नहीं जाते, वहीं खड़े रहते हैं। और आम तौर पर यहाँ अखबार में टीवी पर गंदम के लिहाज से आता है, दो शेर कणक दे दो, वो थोड़े से पैसे हैं, 100-200 रुपया है। मैं आपको अपने, आप सब मालदार लोग बैठे हैं, मैं आपको अपने नबी का सदका फितर बताता हूँ कि आप क्या देते थे। आप किशमिश देते थे, खजूर देते थे, जौ भी दिए हैं। तो किशमिश 3 किलो बाजार में, 3.5 किलो बाजार में जाके पूछें जो सबसे अच्छी किशमिश हो, या फिर दरमियानी, घटिया नहीं, दरमियानी और सबसे अच्छी, पता करें वो कितनी है, 1000 रुपये किलो है, 1500 रुपये किलो है। आपके घर के 4 अफराद हैं तो एक घर से 6000 रुपया गरीब को जाएगा। आज तो 6000 में एक हफ्ता नहीं गुजरता। तो अब सबसे अर्ज करता हूँ, वैसे भी खैरात करें, इफ्तारियाँ करवाएं, और सदका फितर किशमिश के हिसाब से दें। ये आप सब भाई बहनों की खिदमत में गुजारिश है, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, खर्च करें, यही आपके साथ जाएगा, बाकी सारा इधर ही रह जाएगा। लैलतुल कद्र, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिया हत्ता मतलउल फज्र। हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा, तुम्हें क्या खबर के लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते उतरते हैं और ये सुबह तक रहती है। लफ्ज़ कद्र अरबी में इसका एक मतलब है कीमत। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें बताऊं, आप सब ताजर बैठे हो, लैलतुल कद्र की कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1 रुपए पर 1000 नफा ले सकते हैं? दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है जो हीरोइन बेचते हैं वो भी नहीं ले सकते? मेरा अल्लाह कह रहा है 1 रात 1000 महीने, यानी कोई 82-83 साल। ये तो आ गया पहला कद्र। दूसरा इसका मतलब है तंग पड़ जाना, तंग पड़ वक्त, फकदर अलैह रिज़्क़। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, कि उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। सुभान अल्लाह, इतने फरिश्ते आते हैं ज़मीन तंग पड़ जाती है। तीसरा मतलब है कदर मकदार, मकदार को। तो अल्लाह ताला ने उसका आखिरी मतलब भी बताया, सलामुन हिया हत्ता मतलउल फज्र,
कि ये फजर की नमाज तक, फजर की अजान तक ये रहती है। तीन मतलब हैं कदर के, तीनों अल्लाह ने कुरान में कवर किए। कीमत क्या है? हज़ार महीनों से बेहतर। तंगी क्या है? फरिश्तों से ज़मीन भर जाती है। मकदार क्या है? सुबह सादिक। लैलतुल क़द्र 27 की नहीं होती, 21, 23, 25, 27, 29। अब ये पांच रातें जागने छुट, आप लोग तो वैसे रात के बादशाह हो, जाग लो। तो लैलतुल क़द्र मस्जिद में ना गुजारो, घर में गुजारो। ये मस्जिदों में इश्तिहार लग जाते हैं, फलां के साथ शब कदर गुजारें, फलां हजरत के साथ शब कदर गुजारें, फिर उधर कोई सलात तस्बीह पढ़ रहा है बाजमात, औरतें सलात तस्बीह की जमात करा रही हैं, और पता नहीं और कितनी अजीब व गरीब किस्म की इबादत शुरू हो जाती। ये नफली इबादत है। मेरे नबी घर में पढ़ते थे, आपने इशराक के सिवा हर नफल घर पढ़ा, हर सुन्नत घर में पढ़ी। तो आप लैलतुल क़द्र को ये मस्तूरात भी आप भी इकट्ठे हो के नहीं मनाना, अलग अलग मुसल्ले बिछा कर अपने अल्लाह से रोना धोना करो, अपने अल्लाह को मनाना करो। मैं भी करूं, आप भी करें। नवाफिल की जैसे अभी शब बारात गुजरी, तो इश्तिहार इश्तिहार थे। मैं जा रहा था इधर गुलामाबाद में, एक जनाजा हो गया था, तो इश्तिहार इश्तिहार, फलां हजरत के साथ शब बारात गुजारें, फलां मस्जिद में शब बारात गुजारें, फलां जगह शब बारात गुजारें। भाई वो घर में मनाने की है, मस्जिद में नहीं। मेरे नबी ने नफलों को तन्हाई में अदा किया, फ़र्ज को मजमे में अदा किया। लैलतुल क़द्र में जागना नफल है, और फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे लोग और औरतें, तो फिर साथ गीबत भी चलेगी, और एक गीबत का बोल सारी रात को उड़ा के रख देगा। मर्दों या औरत इकट्ठे हो जाएं, गीबत से तो बचते नहीं, ना ही रुक सकते हम। सिंध से हम बाई रोड आ रहे थे, कराची से बाई रोड जमात थी, तो वो रास्ते में बड़ी गीबत करें, नौजवान थे सारे नए नए, मैं चुप करके सुनता रहा। जब कोई दो दिन गुजर गए ना, तो हमारे पास बड़ी वैन थी, मैंने कहा बच्चों एक नसीहत करता हूँ, गीबत ना किया करो, मजाक करो, हंसा करो, खेड़ा करो, गीबत ना करो। थोड़ी सी मैंने इस पर बात की तो बड़े मुतासर हुए, कहा जी ठीक है इंशाल्लाह आइंदा बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई आधा घंटा गाड़ी में सन्नाटा रहा, आधे घंटे के बाद एक बोले मौलाना ये गीबत ना करिए थे, फिर गल्ला की करिए। ये मेरा कल्चर है। लिहाजा औरतें इबादत के लिए भी इकट्ठी होंगी तो गीबत शुरू होगी, मर्द मस्जिद में इकट्ठे होंगे वक्त ज़ाया होगा, गीबत शुरू होगी। मेरे भाई बहनों, हर नफिल को घर में गुजार, अपने घर को बाबरकत बनाओ, अपने घरों में नफिल पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो। सिर्फ इशराक के नफल मेरे नबी मस्जिद में पढ़ते थे दो रकात, बाकी हर नफल आपने मस्जिद में अदा की। तो ये चंद चीज़ें रमज़ान के मुतालिक मैंने अर्ज़ की हैं। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, रमज़ान की दौलत किसे मिलेगी, रमज़ान की बरकात किसे मिलेंगी, और कौन महरूम हो जाएगा। आपने फरमाया चार आदमी ऐसे हैं जिनकी रमज़ान और शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती, बस इससे हम अपने आप को बचा लें। कौन है या रसूलल्लाह? अमन का मुदमेन खमरें, शराब का आदि, कभी कोई पी ले तौबा कर ले, मैं उसकी इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। मुदमेन, मुदमेन का लफ्ज है जो रोज़ाना शराब पीता है, इसकी रमज़ान में बख्शिश नहीं। आकुल्ल वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है, इसकी बख्शिश नहीं। कातिउर रहम, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। अल-मुशाहिन, दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। हर वो चीज़ जो मेरे आपके लिए नुकसान दे, अल्लाह ने हराम कर दी। हर वो चीज़ जो मेरे आपके लिए मुफीद है, अल्लाह ने हलाल कर दी। सूद हराम कर दिया, हमारे पाकिस्तान की मईशत नहीं पूरी दुनिया की मईशत डूबी पड़ी, सारे मुल्क कर्जों पे चल रहे हैं, सूद ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो मेरे अल्लाह ताला ने, आप देखते नहीं, मेरा अल्लाह कहता है फ़ादनु बिहर्बिन मिन अल्लाह व रसूलिही, अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो मेरा मेरा मेरा
मेरे और मेरे रसूल मिलकर तुम्हारे